जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। भाई HPSC की तरफ से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भाई आपकी टीचर की वैकेंसी आई है, जो भाई आपकी PGT बेस है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई है, और मेवात कैडर से ये आपकी वैकेंसी आई है, जो कि भाई आपका डेट ओपनिंग हुई है, जिनकी पब्लिश हुई थी ये 19/11 को पब्लिश हुई थी, 19 नवंबर को, और ओपनिंग डेट है जो एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होंगे 21/11 से स्टार्ट हो गए हैं भाई, और इसके साथ साथ क्लोजिंग की बात करें तो 12/12 तक, 12 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.hpsc.gov.in पे आप जाके लॉग इन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास साइट है। इसके साथ साथ लास्ट डेट है भाई 12 बजे, सॉरी 12 तारीख, 12वां महीना और 2022, मतलब 12 दिसंबर, और 11:55 तक आप भर सकते हैं भाई फॉर्म को। भाई ये कुछ फ़ोन नंबर हेल्पलाइन दिए हुए हैं आपको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ बात करें तो 613 आपकी पोस्ट आई हुई है, टोटल पोस्ट है जो PGT मेवात कैडर से आई है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम भाई, कि बायोलॉजी के अंदर 60 वैकेंसी आई हैं भाई टोटल, केमिस्ट्री के अंदर 38 हैं भाई, कॉमर्स के अंदर 7 है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 78 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स के अंदर 7 है, इंग्लिश के अंदर 73 है, फाइन आर्ट के अंदर 17 है, जियोग्राफी के अंदर 1 है भाई, हिंदी के अंदर 70 है, हिस्ट्री के अंदर 53, होम साइंस के अंदर 1, मैथमेटिक्स में 65, म्यूजिक में 3, फिजिकल एजुकेशन में 45, फिजिक्स में 24, पॉलिटिकल साइंस में 47, और साइकोलॉजी में 1, सोशियोलॉजी में 2, उर्दू में 21, टोटल 613 वैकेंसी है भाई। इसके साथ साथ बात करते हैं तो जैसे भाई एक का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं, बाकी सभी में रिलेटिव ट्रेड्स में होती है भाई, आपको पता है, आप एचटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो ही आप इसको भर सकते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन PGT बायोलॉजी के लिए बात करते हैं तो MSc जूलॉजी होनी चाहिए, या बोटनी हो, बायो बायो साइंसेज या बायो केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क प्रोवाइड दैट, भाई इसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए भाई कम से कम आपके MSc के अंदर, बोटनी और जूलॉजी उसने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, BEd के अंदर BEd की हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई उसकी, 10वीं होनी चाहिए, किस हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट उनमें से होना चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं भाई, तो स्टैट होना चाहिए, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि HSTAT आपका इसके अंदर मिलना चाहिए, और अकेडमिक गुड रिकॉर्ड होना चाहिए भाई, सभी के अंदर ऐसे ही मिलेगा आपको, ये आप देख लेना जो पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी का भाई अपना सेम मिलेगा भाई, उसी की रिलेटिव ट्रेड्स के अंदर उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये थी भाई आपकी कैटेगरी वाइज है, जो आपकी कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, ये रही भाई आपको फीमेल के अंदर भी अलग से रिजर्वेशन है फीमेल को, जैसे जनरल में बायोलॉजी की 11 पोस्ट है, SC की 4 पोस्ट है, BCA की 2 पोस्ट है, BCBA की 1 पोस्ट है भाई, ऐसे डिवाइड भी किया हुआ है, तो ये जाके जल्दी से जल्दी भरे भाई जिनकी क्वालिफिकेशन है। और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।